नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज के इस वीडियो में मैं आपको तीन टॉपिक्स बताने वाली हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एक वीडियो को देख के आप ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को कवर कर सकें, देख सकें एंड अपनी अकाउंटिंग के वर्क को इम्प्रूव कर सकें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने एक और चैनल क्रिएट किया है सुमन एजुकेशन हब इंग्लिश नाम से, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में अकाउंटिंग सिखाता है। अगर आप लोग को अकाउंटिंग वर्क सीखना है इंग्लिश लैंग्वेज में तो उस चैनल को आप वॉच कीजिए एंड उस चैनल को प्लीज़ सपोर्ट भी कीजिए सब्सक्राइब लाइक शेयर करके। आप उस चैनल को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड में, अपने फैमिली में, जो भी अकाउंटिंग का वर्क सीखना चाहता है, जिनको हिंदी में प्रॉब्लम होती है वो उस चैनल को वॉच करके अपनी अकाउंटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। तो चलिए कम टू द पॉइंट कि सबसे पहले जो टॉपिक मैं आपको क्या सिखाने वाली हूँ। सबसे पहला टॉपिक हम सीखने वाले हैं, अगर कोई इनवॉइस है जो कि 3-4 पेजेस में आ रहा है, लेट्स सपोज आपने कोई ऐसा सेल इनवॉइस बनाया जिसमें कि 20 या फिर 30 या फिर 40 प्रोडक्ट्स हैं, तो वो इनवॉइस लेंदी हो जाता है एंड काफ़ी सारे पेजेस में चला जाता है। लेट्स सपोज अगर 10 पेजेस में जाता है, 5 पेजेस में जाता है, तो आप उसको रिड्यूस करके कितने कम से कम पेज में आप उसको प्रिंट ले सकते हैं, सो दैट इससे आपका जो पेपर है वो सेव होगा। अगर आप उसको एक्सपोर्ट करते हैं, किसी को सेंड करते हैं, तो वहाँ पे जो नंबर ऑफ पेजेस हैं वो भी कम होंगे, तो सामने वाले को देखने में भी इजी होगा। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बिग इनवॉइस को आप रिड्यूस करके कैसे लेस पेजेस में उसका प्रिंट ले सकते हैं, उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं टेलीग्राम में। यहाँ पे देखिए मैंने एक सेल इनवॉइस ओपन कर लिया है, ये एक बड़ा इनवॉइस है, तो इसका सबसे पहले प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। तो हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद हमें करेंट पे क्लिक करना है एंड उसके बाद प्रीव्यू पे। अब यहीं से आप देखेंगे ये जो इनवॉइस है बड़ा इनवॉइस है, बट ये एक पेज में शो हो रहा है। तो ये कैसे शो हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है। क्या कॉन्फ़िगरेशन करना है आपको, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पे आप क्लिक कर लीजिए, प्रिंट प्रीव्यू पे जब आप जाते हैं तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में आपको कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन शो होता है, उस पर क्लिक कीजिए। आप यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन देखेंगे तो आपको यहाँ पे शो होगा ऑप्टिमाइज ऑप्शन करके, तो यहाँ देखिए ऑप्टिमाइज ये जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन को मैंने यस किया था, इसलिए जो वो बड़ा इनवॉइस है वो एक पेज में शो हो रहा था आपको। अगर इसी ऑप्शन को नो कर लेते हैं तब इसका क्या इम्पैक्ट होता है, चलिए देख लेते हैं। तो इसको नो करके हम सेव कर लेते हैं एंड अगेन चल के हम प्रिंट प्रीव्यू को देखते हैं इनवॉइस के। तो यहाँ पे मैंने नो कर लिया है, इसको सेव भी कर लिया है। अब चलिए इसका प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। तो प्रिंट पे क्लिक करेंगे देन करेंट पे एंड उसके बाद प्रीव्यू आप देख सकते हैं। तो ये इनवॉइस आप देखेंगे, देखिए कंटिन्यूटी में कंटिन्यूड आपको शो हो रहा है, तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज में ये इनवॉइस चला गया है। अब सेम कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करके जो ऑप्टिमाइज वाला ऑप्शन था वहाँ पे मैं यस प्रेस करके आपको शो करती हूँ कि कैसे अब इसका जो प्रिंट प्रीव्यू शो होगा, जो इनवॉइस पहले 2 पेजेस में था अब कैसे वो 1 पेजेस में शो होगा। सेकेंड टॉपिक ये है कि लीगल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज को अगर आप सेल करते हैं, अगर आप ऐसे बिजनेस को रन करते हैं, आप ऐसे बिजनेस में हैं जहाँ पे आप लीगल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज को सेल करते हैं, प्रोवाइड करते हैं सर्विस को, तो सेल इनवॉइस आपको कैसे बनाना है लीगल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज का, चलिए इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, सो दैट नेक्स्ट टाइम से आप भी इजली लीगल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज के इनवॉइस को जनरेट कर सकेंगे सक्सेसफुली। फिर आप टैली से हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद हमें लेजर पे क्लिक करना है सो दैट हम लेजर को क्रिएट कर सकें। तो सबसे पहला लेजर हम क्रिएट करेंगे। सपोज़ कीजिए अगर आप सेल करते हैं, आपकी कंपनी है, तो आप अपने कंपनी के नेम से लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लेजर जो है क्रिएट कर रही हूँ अनिल कंसल्टेंसी नाम से, जो भी आपका कंपनी का नेम है वो आप रख सकते हैं, अनिल एसोसिएट्स है या फिर कंसल्टेंसी है, जो भी है जिस भी नाम से रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। अंडर आपको क्रिएट करना है सन्ड्री डेटर्स, क्योंकि आप यहाँ पे सेल करने वाले हैं इसीलिए हम सन्ड्री डेटर्स करेंगे एंड सन्ड्री डेटर्स करके यहाँ पे मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल इसको यस कर लीजिए। पार्टी का जो डिटेल है वो सारा आपको यहाँ पे फिल कर लेना है, स्टेट कर लीजिए, और जो इसका GST नंबर है वो आपको फिल करके इसको सेव कर लेना है। तो चलिए एंट्री स्टार्ट करते हैं, कैसे एंट्री करना है। कुछ लेजर्स हम वहीं पे क्रिएट कर लेंगे,
तो गेटवे ऑफ दिल्ली से हमें बी प्रेस करना है एंड राइट हैंड साइड से हम सेल्स वाला वाउचर सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे सेल्स इनवाइस जनरेट करने वाले हैं। ऐप टू प्रेस करके जिस भी डेट में आप इन्वाइसिंग कर रहे हैं वो डेट सेलेक्ट कर लीजिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो वाउचर मोड ओपन है वो आइटम वाइज है। हम यहाँ पे सर्विस सेल करने वाले हैं तो हमें चेंज करना होगा वाउचर का मोड। चेंज मोड पे क्लिक करने के बाद अकाउंटिंग इनवाइस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। अब इस वाउचर मोड में जो हम सर्विसेज सेल करेंगे उसकी एंट्री करेंगे। अब यहाँ से देखिए पार्टी अकाउंट नेम तो अनिल कंसल्टेंसी नाम से मैंने क्रिएट किया है तो उसका हम सेलेक्ट कर लेंगे एंड उसके बाद हम यहाँ पे कौन सी सर्विस सेल करने वाले हैं, लीगल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज को सेल करने वाले हैं। तो इसका लेजर आपको कैसे क्रिएट करना है, यहीं से ऑल्ट सी आप प्रेस करेंगे एंड इस टैब से आप लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। लेजर का नेम रख लीजिए लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस। अंडर यहाँ पे जो ग्रुप सेलेक्ट करना है आपको करना है इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि हम ये सर्विस को सेल करेंगे तो हमारी इनकम होगी कंपनी के लिए। अब यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल तो यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा। ऑल्ट जीएसटी अल्टरेशन में यस कर लीजिए, इसका एसएससी कोड फिल कर लीजिए। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में परचेस टैक्सेबल 18% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विसेज कर लीजिए एंड सेव कर लीजिए। इस टैब से आपको लीगल एंड प्रोफेशनल का लेजर क्रिएट करना है। अब यहाँ डिस्क्रिप्शन में आप मेंशन कर सकते हैं कि कौन सी सर्विस आपने सेल किया है, जैसे कि अगर आपने ऑडिटिंग की है तो ऑडिटिंग कर सकते हैं, या फिर एनुअल अगर आपने जीएसटी रिटर्न का चार्ज कर रहे हैं तो जो भी वर्क का आप कर रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अमाउंट जितने अमाउंट का आप इन्वाइस करेंगे तो लेट्स सपोज 20,000 का हमने इन्वाइस किया है तो 20,000 कर देंगे। उसके बाद हमें इसके ऊपर टैक्स अप्लाई करना है तो यहीं से ऑल्ट सी प्रेस करके आपको यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। अगर लोकल में आप सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे आउटपुट सी जी एस टी एंड आउटपुट एस जी एस टी 99% का हम लेजर क्रिएट करेंगे। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं आउटपुट एस जी एस टी का लेजर मैंने क्रिएट किया है। इसी टाइप से ऑल्ट सी प्रेस करके आउटपुट एस जी एस टी एट द रेट 9% का लेजर हम क्रिएट करेंगे एंड यहाँ पे अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस जी एस टी एंड सेंट्रल टैक्स करके इसको आपको सेव कर लेना है। जो इनवाइस है वो कंप्लीट हो चुका है 23,600 का। नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं कि क्या आपने सर्विसेज सेल की हैं, ऑडिटिंग का किया है, रिटर्न का किया है, या फिर कोई ऐसे कंप्लायंसेस है उसका किया है, तो आप नरेशन में इसको मार्क कर सकते हैं। तो चलिए मैं अब लेजर ओपन करके बताती हूँ। हम गो टू में चलेंगे, यहाँ पर लेजर ओपन कर लेते हैं सेम अनिल कंसल्टेंसी का। अब आप यहां देख सकते हैं डेट भी हम चेंज करके देख लेते हैं। यहां पे हमने सिर्फ एक ही इनवाइस बुक किया है जुलाई मंथ का। इस टाइप से एवरी मंथ जो भी आप सर्विसेज देंगे तो मंथ वाइज आप उसकी बुकिंग कर लेंगे। तो लेट सपोज हमने जून में भी अगर दिया है तो यहीं से इस वाउचर को मैं डुप्लीकेट करके एंड इसको मैं एक और मैं आपको शो करती हूँ कि कैसे एंट्री करनी है। डुप्लीकेट कर लीजिए, डेट चेंज कर लीजिए। हमने जुलाई का किया था, हम यहाँ पर अब जून का कर रहे हैं। अमाउंट अगर चेंज करना है सर्विसेज के अकॉर्डिंग, किस टाइप की सर्विसेज दी है, आपका क्या फीस है, उसके अकॉर्डिंग जो अमाउंट है वो चेंज हो जाएगा एंड इसको हम सेव कर लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने इस एंट्री को सेव कर लिया है। अब एक एंट्री है जून की, सेकेंड है जुलाई की। अब सपोज़ कीजिए पार्टी ने जून का पेमेंट दे दिया है तो पेमेंट को हम रिसीव कर लेंगे। ऑल्ट ए प्रेस करेंगे, वाउचर ऐड हो जाएगा। राइट हैंड साइड से रिसीप्ट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं रिसिप्ट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेती हूँ क्योंकि हम पेमेंट रिसीव करने वाले हैं। अब यहाँ पे जो अनिल कंसल्टेंसी है वो हो जाएगा क्रेडिट, तो यहाँ पे अमाउंट आप कर दीजिए एंड हमारा जो बैंक है वो हो जाएगा डेबिट। तो यहाँ पे हमारे बैंक में पैसे आ गए हैं, इसको हम सेव कर लेंगे। इस टाइप से आप मेंटेन कर सकते हैं। तो इस टाइप से अगर आप खुद सर्विसेज अपने साइड से देते हैं तो आप अपने नाम से लेजर क्रिएट करके एंड जैसे मैंने आपको इस वीडियो में शो किया उस टाइप से कर सकते हैं। थर्ड टॉपिक है टीडीएस सेक्शन 194Q जो कि परचेस ऑन गुड्स के लिए है। इसका कैलकुलेशन आपको कैसे करना है, सपोज कीजिए आप किसी पार्टी से परचेस कर रहे हैं, मोर देन 50 लाख आपने परचेस कर लिया है, इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट 50 लाख रुपीज़ है और 50 लाख रुपीज़ का जो लिमिट है वो क्रॉस हो चुका है। अब आपको कैसे टीडीएस इसके ऊपर डिडक्ट करना है, कैसे कैलकुलेशन करनी है, काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स रहती है इस चीज़ को लेकर।
कि हमें किसके ऊपर TDS डिडक्ट करना है, टोटल इनवॉइस के ऊपर करना है या फिर टैक्सेबल अमाउंट के ऊपर करना है, ये सारी कंफ्यूजन इस वीडियो को वॉच करने के बाद क्लियर आउट हो जाएगी, वॉश आउट हो जाएगी एंड आप सक्सेसफुली अंडर सेक्शन 194Q जो कि परचेस ऑन गुड्स के लिए है उसका TDS कैलकुलेट कर पाएंगे, प्रॉपरली एंड परफेक्टली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इस वीडियो को वॉच कीजिए एंड कैलकुलेट कीजिए 194Q TDS का कैलकुलेशन आपको कैसे करना है, इनवॉइसेस के TDS की कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे, वी हैव टेकन लीगल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज फ्रॉम अनिल कंसल्टेंसी कंपनी। तो अनिल कंसल्टेंसी कंपनी है जिनसे कि हमने लीगल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज जो है वो लिया है, वो परचेस किया है। फर्स्ट इनवाइस इज इन अप्रैल मंथ विथ 15,000, ये टैक्सेबल वैल्यू है जो मैंने मेंशन किया है। सेकेंड इनवाइस है इज इन मे मंथ और उसका जो अमाउंट है वो है 10,000 टैक्सेबल वैल्यू के साथ। एंड थर्ड इनवाइस जो है इज इन अ जून मंथ एंड इसका जो वर्थ है वो 20,000 है। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने यहाँ पे अनिल कंसल्टेंसी से मंथ वाइज अप्रैल में जून तीन मंथ में इनवाइस रिसीव किए हैं 15,000, 10,000 एंड 20,000। तो ये जो फर्स्ट इनवाइस है 15,000 का, इसका आप जो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं कि TDS का लीगल एंड प्रोफेशनल फीस जो है वो रूल क्या कहता है। तो सेक्शन देखिए 194J है, TDS की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 30,000 है एंड TDS रेट जो है वो 10,000 है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला हमने इनवाइस रिसीव किया है जिसका अमाउंट है 15,000 और उसने तो थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं की है क्योंकि थ्रेशोल्ड लिमिट हमारी है 30,000। तो अब हम क्या करेंगे, जो 15,000 फर्स्ट इनवाइस था उसका हम TDS डिडक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो उसने क्रॉस नहीं की है। तो जो 15,000 का हमारा फर्स्ट इनवाइस है उसका हम टोटल पेमेंट कर देंगे और उसके बाद जो सेकेंड इनवाइस है, सेकेंड इनवाइस अगर आप देखेंगे तो 10,000 का है। तो 15,000 प्लस 10,000 अगर आप करते हैं तो फिर 25,000 होता है विच इज़ अगेन नॉट एलिजिबल फॉर TDS का जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 30,000, फिर भी नहीं क्रॉस किया है। तो 10,000 का भी हम जो है वो भी पेमेंट कर देंगे पार्टी को। अब जब हम जून मंथ में थर्ड इनवाइस हमने रिसीव किया है 20,000 रुपीज़ का, तो अब हम तीनों को जो ऐड करेंगे 15,000, 10,000, 20,000, तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये होता है 45,000। तो जो हमारी TDS की थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 30,000 है एंड हमारा जो सेम पार्टी से हमने परचेस किया है तो वो क्रॉस हो गया है 45,000 का, अब ये थ्रेशोल्ड लिमिट के अंडर में आ गया है। तो टोटल इनवाइस की वैल्यू मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है 45,000 एंड यहाँ देखिए 30,000 इसकी लिमिट थी, तो यहाँ पे 45,000 टोटल पे हम यहाँ पे TDS कैलकुलेट करेंगे। तो जो TDS टोटल टू बी डिडक्टेड है वो है 4500 का एट द रेट ऑफ, इसका 10% आप निकाल लीजिए तो 45,000 का 10% 4500 हो गया। तो 4500 TDS इसका हमें डिडक्ट करना है। तो अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो इनवाइसेस हमने रिसीव किया है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड मंथ वाइज जो हमने रिसीव किया है तो उसमें अब हमें क्या करना है। फर्स्ट इनवाइस का तो हम जो पेमेंट है वो दे चुके हैं, सेकेंड इनवाइस का ही पेमेंट दे चुके हैं, थर्ड इनवाइस जो बचती है 20,000 में से हमें 4500 रुपीज़ माइनस कर लेने हैं तो 19,100 रुपीज़ बचते हैं, इतना हमें पेमेंट करना है पार्टी को। तो इतने की पेमेंट हम कर देंगे पार्टी को और अकाउंट हो जाएगा नील। अब 19,100 रुपीज़ पेबल कैसे आया तो वो भी मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो ये जो 20,000 का इनवाइस है यहाँ पे मैंने टैक्सेबल अमाउंट लिखा है क्योंकि जो हम टैक्स डिडक्ट करते हैं वो टैक्सेबल अमाउंट के ऊपर करते हैं, TDS इंक्लूड करके नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो 20,000 का इनवाइस है उसके ऊपर 18% हो गया, 23,000 इसका जो वैल्यू हो गया है और उसके बाद इसमें से 4500 हम माइनस कर लेंगे तो यहाँ देखिए बचता है 19,100 रुपीज़, इतना पेबल होता है। तो पार्टी को हम इतना पे कर देंगे और TDS हमें जो डिडक्ट करना है वो हमेशा याद रखिए आपको टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर करना होता है। सपोज़ कीजिए आपका जो इनवाइस है 15,000 है प्लस GST है, 10,000 है प्लस GST है, 20,000 है प्लस GST है,
तो इस पे आपको TDS डिडक्ट करना है। आई होप ये जो तीनों टॉपिक्स मैंने आपके साथ शेयर किया है, ये तीनों टॉपिक्स आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट कीजिए सो दैट मैं भी ग्रो कर सकूँ एंड आप लोग के सामने अच्छे से अच्छे वीडियोज़ को लेके आ सकूँ। अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इंडस्ट्रीज से रिलेटेड अकाउंटिंग आपको कैसे मेंटेन करना है वो मैं आपको सिखा सकूँ। और जो सेकेंड वाला चैनल है, इसी चैनल के नीचे आपको शो होगा, तो प्लीज़ उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए सो दैट वो चैनल भी ग्रो हो सके एंड वहाँ पे मैं जो भी स्टूडेंट इंग्लिश लैंग्वेज में अकाउंटिंग को सीखना चाहता है वो उस चैनल को वॉच करके अकाउंटिंग को कंटिन्यूसली सीख सके उस चैनल को वॉच करके। तो आई होप ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।